मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। दिस इज योर साइंस क्लासेस एंड वी डिस्कस चैप्टर नंबर 18, वेस्ट वाटर स्टोरी। प्रीवियसली वी कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। Cleaning of water is a process of removing pollutants. Next question, waste water released by water released by house is called sewage. Next, dried is used as manure. That is sludge. Next, drains get blocked by oil and fats. So students, first question, cleaning of water is a process of removing pollutants. वेस्ट वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट करते हैं और उसमें से हम लोग जो इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, इट इज नोन एज पॉल्यूटेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, वेस्ट वाटर इज रिलीज, हाउस इज कॉल्ड सीवेज। हमारे घरों में से वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज। ड्राइड इज यूज्ड एज मैन्योर, मींस जो ड्राइड स्लज होते हैं उसको हम लोग एज अ मैन्योर यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें ये स्लज में लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ड्रेन्स गेट ब्लॉक बाय ऑयल एंड फैट्स। जो भी ड्रेन्स है यानी जो खुले हुए ओपन ड्रेन्स है ये ब्लॉक हो जाते हैं ऑयल और फैट्स की वजह से। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज। मतलब सीवेज क्या होते हैं और इसको एक्सप्लेन कीजिए कि अगर हम लोग इसको नदियों में या समुद्र में अगर इसे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं यानी कि फ्लो कराते हैं तो ये हमारे लिए क्यों हार्मफुल होते हैं। सो आंसर इज
इज सीवेज एक्सटेन वाई एक्सटेन वाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज आंसर Answer. Sewage is a waste water containing solid and liquid waste and pollutants. It is produced by human from homes, industries, hospitals, offices, and other places. It is harmful. Harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas because sewage contains harmful substances and it can pollute the water in the rivers
सो सीवेज इज द वेस्ट वाटर कंटेनिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स. सीवेज वेस्ट वाटर होता है और इसमें कुछ सॉलिड्स और लिक्विड वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं. एंड सॉलिड एंड लिक्विड पॉल्यूटेंट्स मीन्स इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड सो मेनी अदर इम्प्योरिटीज आर इंक्लूड इन द सीवेज. इट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फ्रॉम होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर प्लेसेस. बेसिकली ये जो सीवेज होता है ये ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. और ये कहाँ कहाँ से निकलता है? ये हमारे घरों से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से, ऑफिसेस से और ऐसे बहुत से प्लेसेस से जहां पर वाटर का यूज होता है. और उस वाटर को यूज करने के बाद वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है वही हमारा सीवेज होता है. इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सीज बिकॉज सीवेज कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इट कैन पॉल्यूटेड द वाटर इन द रिवर और सीज. ये इसलिए हमें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए रिवर्स यानी नदियों में, सीज यानी कि समुद्र में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारे रिवर्स और सीज को क्या कर सकते हैं, उसको पॉल्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड ऑयल एंड फैट्स बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन, एक्सप्लेन. हम लोगों को ऑयल और फैट्स को ड्रेन में रिलीज नहीं करना चाहिए, एक्सप्लेन कीजिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. Why should oils and fats be not released in the drain, explain. Answer. Cooking oils and fats should not be thrown down in the drain Harden and block the pipes. In an open drain,
its effectiveness. Filtering water, oils and fats should be thrown in the dustbin. Cooking oils and fats should not be thrown down in the drain. Means cooking oils or fats जो भी होते हैं cooking करते time जो निकलते हैं उसे हम लोगों को drain में नहीं फेंकना चाहिए. They can harden and block the pipes. वो basically क्या करते हैं, बाद में hard हो जाते हैं और वो हमारे pipes को block कर देते हैं. In an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. और basically जो भी open drain होते हैं, अगर वहाँ पे किसी भी वजह से हमारे fats या oil चले जाते हैं और ये फिर water के साथ flow करते हुए soil में insert करते हैं, तो ये इससे soil की effectiveness reduce हो जाती है. क्यों? क्योंकि soils में जो pores होते हैं उससे water का filter water filter नहीं हो पाता है और फिर हमारे बहुत सारे loss हो जाते हैं, जैसे कि ground जो water table है हमारा, यानी ground water है, वो basically water का filter भी नहीं हो पाता. Oils and fats should be thrown in the dustbin. और हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारे किचन से कुकिंग करने के बाद जो भी ऑयल्स एंड फैट्स निकलते हैं उसे हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब the steps involved in getting clarified water from waste water. This question is very important and answer. हमें steps बताने हैं water को क्लैरिफाई करने के लिए, यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था
वहां वही यहाँ पे डिस्कस करना है और उसमें जो जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो पूरा नोट डाउन करना है. सो फर्स्ट स्टेप इज बार स्क्रीन. बार स्क्रीन बार स्क्रीन विच रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक racks, sticks, cans, plastics, packet. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व है वो डिस्कस करना है. सो फर्स्ट स्टेप इज बार स्क्रीन. वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन विच रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स स्टिक्स कैंस प्लास्टिक पैकेट्स एंड नैपकिन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को पास कराते हैं बार स्क्रीन से. और ये बार स्क्रीन का वर्क क्या होता है, ये जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल रैक्स स्टेक्स कैंस प्लास्टिक पैकेट्स एंड नैपकिन, ये वेस्ट वाटर में सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कस in my next video. okay, so I hope this question answer is clear to all of you. Thank you and have a nice day.